देखिए, कहीं कोई वैसा गणित नहीं है कि दो जोड़ दो चार ही होता है, तो हम यही देखा है कि राजनीति में परमानेंट नाम की कोई चीज नहीं है। यहाँ पर कभी कभी बहुत से बड़ा कयास लगाया जाता है, वो भी फेल हो जाता है। शराबबंदी से फायदा तो है, मैं समझता हूँ, हम लिमिट शब्द कहते हैं, दवा के रूप में शराब लेने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नमस्कार, न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ सलोनी सरी। बिहार ज्ञान की धरती है, बिहार सभ्यता की धरती है और बिहार की इस वक्त राजनीति ने इस ठंड के माहौल में कहीं ना कहीं गर्माहट पैदा कर दी है। खबरें बहुत सारी हैं। हाल के दिनों में ललन सिंह ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया, नीतीश कुमार ने वो कमान संभाल ली। खबर ये भी है कि जेडीयू और आरजेडी में दूरियां बन गई है। खबर ये भी है कि क्या तेजस्वी यादव बिहार के सीएम बनेंगे। अब ऐसे में सवाल कई खड़े होते हैं, इनके जवाब आज हम आपको देंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं बिहार के कद्दावर नेता और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जितेंद्र राम मांझी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 बिहार झारखंड पर। पहला सवाल यही कि इस वक्त बिहार की राजनीति में जो कुछ चल रहा है, इतनी सारी खबरें हैं कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे, ललन सिंह पद से हट गए, नीतीश कुमार ने उसका पद संभाल लिया राष्ट्रीय अध्यक्ष का, तो किस तरीके से आप बिहार की सियासत देख रहे हैं, किस ओर आप बिहार की सियासत देख रहे हैं? देखिए, जब हमसे पूछते हैं तो हमारे दिमाग में बात आती है कि सब सारी बातें कयास लगाई जा रही है, हाइपोथेटिकल है, इसमें कोई जान नहीं है। फैक्ट यही है कि नीतीश कुमार जी शुरू से आज तक भारत के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनना चाह रहे हैं, लोगों से कहवा रहे हैं, उसके लिए कवायद कर रहे हैं, लेकिन चाहे पटना के मीटिंग हो, बेंगलुरु की मीटिंग हो, मुंबई के मीटिंग हो, दिल्ली के मीटिंग हो, सब जगह उनको निराशा लगी है और हद हो गया कि उनके पार्टी में टूट की अंदरूनी सूचना उनको मिली कि 13 विधायकों के साथ बाबू ललन सिंह टूट सकते हैं, क्योंकि बिहार के अध्यक्ष विधानसभा के राजद के हैं तो उनको हैंड ऐसा है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर नीतीश कुमार बहुत चलाकी से अपने कब्जे में राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद ले लिए, अब थोड़ा सा हताश हो गए हैं ललन बाबू, अब सोच रहे हैं कि मामला कुछ इधर उधर ना हो करके हम साथ हो करके चलें, लेकिन सच्चाई यही है कि कभी भी वो अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि एनडीए में जब थे लोग तो ये ललन बाबू हैं जो इनको महागठबंधन में लाने का काम किया था, और आज यहाँ पर ऐसे दिमाग में बात आ रही थी या तो राज्यसभा मेंबरशिप के लिए या डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए उनके दिमाग में बात बन रही थी कि तेजस्वी अगर मुख्यमंत्री होंगे तो उनके साथ ये दोनों बातें में कोई हो सकती है, तो ये उनका फेल हो गया है। अब रही बात कि नीतीश कुमार जी को लोग सब जवाब दिखा रहे हैं कि कन्वेनर के रूप में उनको टिप किया जा रहा है, हम नहीं समझते हैं कि कन्वेनर के रूप में उनको लोग लाएंगे, लेकिन सब जवाब दिखलाया जा रहा है और ऐसा भी है कि उनको कन्वेनर के रूप में अगर मानने की बात भी हो जाएगी तो शायद उन पर दबाव आएगा कि आप दिल्ली की राजनीति कीजिए, देश की राजनीति कीजिए और बिहार की राजनीति छोड़िए तेजस्वी के लिए। लेकिन हम समझते हैं जो पढ़े हैं नीतीश कुमार को कि नीतीश कुमार किसी भी परिस्थिति में मुख्यमंत्री का पद छोड़ने वाले नहीं है, तो इसलिए ये सिर्फ बात की बात है, हम समझते हैं इसमें कोई जान नहीं है। रही बात कि एनडीए और आपको महागठबंधन की जो इनका है इंडी के मामला है, जिनको हम लोग कहते हैं कि भारतीय गठबंधन जो है इनका गठबंधन है और ये किसी भी सूरत में आपस में रह करके दिखलाना चाह रहे हैं लोगों को कि हम एक हैं, लेकिन एक नहीं है। ममता जी कुछ अलग हैं, अखिलेश जी कुछ अलग हैं, केजरीवाल साहब कुछ बोल रहे हैं और फिर स्टालिन कुछ बोल रहे हैं, तो कहने का मतलब है कि सबके दिमाग में है कि हम रहेंगे, कैंडिडेट हम रहेंगे और एक ही मंशा इन लोगों का है कि भारत के प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हम होंगे, हम होंगे, हम होंगे, इसलिए इन लोगों का मुद्दा साफ नहीं है और इसलिए इन लोग मार खाएंगे। दूसरे ओर नरेंद्र मोदी जी का कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ है हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने का,
चाहे G20 के माध्यम से उन्होंने बढ़ाने का काम किया हो, या फिर आप देख रहे हैं कि चंद्रयान पर भेजने की बात आई है, या सूर्य को 15 लाख की दूरी पर एग्जामिन करने के लिए वैज्ञानिक बात हो रही है, किसानों को जो 6,000 रुपया मिलता था 9,000 करने जा रहे हैं, या स्वास्थ्य विभाग में जो 5 लाख रुपया दिया जाता है उसका लाभ दे रहे हैं। कहने का मतलब कि भारत की गरीबी को दूर करने के लिए और भारत को जो यह विश्व गुरु की दर्जा होनी चाहिए उसके लिए प्रयासरत हैं, जिसका G20 की बैठक में एक प्रदर्शन भी हुआ कि सब लोग इनके साथ आ गए, यहाँ तक कि इनके पैर छुए राष्ट्राध्यक्षों ने। तो एक तरफ ये बढ़ रहे हैं और दूसरे तरफ हिंदुस्तान को अगले कुछ वर्षों में विश्व का तीसरा आर्थिक व्यवस्था रूप में डेवलप करना चाह रहे हैं। तो उनका मुद्दा कुछ इस प्रकार का है, लेकिन इन लोगों का मुद्दा सिर्फ और सिर्फ है कि प्रधानमंत्री कौन हो। इसलिए इन लोग मार खाएंगे, इन लोगों की मंशा कभी साफ नहीं होगी। और नरेंद्र मोदी जी 2024 में भारत के अगले प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित निश्चित रूप में होंगे, बल्कि ज्यादा सीट लेकर के आएंगे और बिहार में 40 का 40 सीट उनको मिलेगा। इसलिए ये सब जितनी कवायदें चल रही है वो सब बकवास है। मांझी जी, आपने कई बार इस चीज का जिक्र किया कि जेडीयू के 3 नेता जो हैं वो बीजेपी के संपर्क में हैं। तो आपके पास ऐसे क्या सूत्र हैं, क्या सोर्स हैं, आज आप हमें बताई दीजिए। देखिए, कहीं कोई वैसा गणित नहीं है कि 2 जोड़ 2 4 ही होता है, ये सोशल और पॉलिटिकल इक्वेशन है। हम इसलिए कह रहे हैं कि ललन सिंह जी जो आज यहाँ पर हैं, वो भाजपा से तोड़ करके लाए थे यहाँ नीतीश कुमार को, और यहाँ कोशिश उनका है, जैसा मैंने कह दिया, इस चीज को नोट करना चाहिए था कि ललन सिंह का वेस्टेड इंटरेस्ट है कि या तो वो डिप्टी सीएम के रूप में अपना एंजॉय करें अगर तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे तो, और नहीं तो जान रहे हैं कि मुंगेर से शायद चुनाव जीत नहीं पाएंगे, इसलिए वो राज्यसभा का मेंबर के रूप में भी कहीं ना कहीं बार्गेनिंग करने की बात की है। अब एक कयास लगाते हैं, हम भी सोच रहे हैं कि इसी लाइन नक्शे कदम पर वो चल रहे हैं, और इनके साथ जो हैं ब्रिजेंद्र यादव जी हैं। ब्रिजेंद्र यादव जी अब ये दोनों प्रधान मुख्यमंत्री के साथ गए थे, कुछ बातें हुई थी, हम लोगों को मालूम हुआ कि काफी झगड़ा हुई, आपस में बातचीत हुई, माननीय मुख्यमंत्री ने खूब डांट डपट किया कि ये सब क्या कर रहे हैं, और उसके बाद ये सब सारी घटनाएं हुई। तो राजनीति में कुछ बातें सुनी जाती है, कुछ ऐसी बात है जो कह नहीं सकते हैं प्रमाणिक रूप में, लेकिन कयास जिसे लगता है वैसी कयास हम लोग लगा रहे हैं। और फिर एक धड़ा ऐसा भी है नीतीश जी के साथ जो चाहती है वो धड़ा कि हम एनडीए के साथ जाएं और एनडीए के साथ रह करके काम करें, लेकिन एनडीए में उनका दरवाजा बंद हो गया है। सब स्तर पर ऐसा हो रहा है कि एनडीए में उनकी एंट्री नहीं होगी। लेकिन मैडम, हम बार बार कहते हैं कि राजनीति संभावनाओं का खेल होता है, राजनीति में जो हम आज कह रहे हैं कल सत्य हो जाए वही बात नहीं है, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए कहा नहीं जा सकता है इनका दरवाजा वहां बंद है कि खुला है, कि कोई खिड़की है कि क्या है, ये सब आगे की बात इसको देखिएगा। अभी आपने एक चीज का जिक्र किया कि उनके लिए जो है एनडीए का दरवाजा बंद हो गया है। अगर नीतीश कुमार इन फ्यूचर आगे जाके एनडीए का हिस्सा अगर बनना चाहते हैं तो क्या एनडीए वाले उन्हें शामिल करेंगे? क्योंकि नीतीश कुमार पहले एनडीए में थे, फिर अलग हुए, फिर एनडीए में, और आपके तो बहुत खास है नीतीश कुमार। ये तो कह ही दिया हमने कि एनडीए के लोगों ने सब कोई कहा है कि दरवाजा बंद है, लेकिन हम कहते हैं 40-44 वर्ष की राजनीति हमने किया है तो हम यही देखा है कि राजनीति में परमानेंट नाम की कोई चीज नहीं है। यहाँ पर कभी कभी बहुत से बड़ा कयास लगाया जाता है, वो भी फेल हो जाता है। यानी राजनीति संभावनाओं का खेल है, कोई भी चीज संभव है। जिसको हम कह रहे हैं हाँ वो न हो सकता है, और जिसको कह रहे हैं ना वो हाँ भी हो सकता है। तो रही बात कि एनडीए का, तो एनडीए का कोई भी नेता अभी तैयार नहीं है कि नीतीश कुमार एनडीए में जाएं, लेकिन बावजूद उसके हम कह रहे हैं कुछ परिस्थितियां ऐसी आती है जहां लेसर इविल की बात सोच करके राजनीति में कुछ भी हो सकता है, ये हमारी मानना है।
शराबबंदी का मुद्दा जितिन राम मांझी आप कई बार उठाते हैं, आपके कई सारे उस पे बयान भी आते हैं। एक बयान आपका ये भी आया था कि 2025 में अगर बिहार में एनडीए की सरकार आती है तो शराबबंदी खत्म कराएंगे, और आप गुजरात मॉडल का कई बार जिक्र कर चुके हैं। तो सवाल ये है कि आखिर, क्योंकि शराब की अगर हम बात करें तो क्या आप किस लहजे से उस चीज को देखते हैं, क्यों आप बार बार शराबबंदी का मुद्दा उठाते हैं और फिर आप इस चीज का जिक्र? इस पर बहुत सारी बातें हमने की है, और आज जो 44 वर्ष से बिहार की राजनीति कर रहे हैं और हम गरीबों के साथ रहते हैं, गरीबों की दशा को समझते हैं, तो पहले भी कहा था, जब हम मुख्यमंत्री थे उस समय भी कहा था कि जो मजदूर वर्ग के लोग है, हार्ड वर्कर है, उसको शाम में किसी न किसी प्रकार का इंटॉक्सिकेशन चाहिए। अगर नहीं वैसा होगा तो उसकी लाइफ क्षति होती है, उसको कल सुबह में उठ करके काम करने में दिक्कत होता है, इसलिए वो एक सीमित मात्रा में उनको शराब की आवश्यकता होती है। और गरीब हैं इसीलिए लोग वैसा उनको कहते हैं, लेकिन बड़े लोगों को आप भी सुने होंगे, हम भी कहते हैं, और आज देखा भी होगा आपने कि चाहे पुलिस अफसर हो या सिविल अफसर हो या जुडिशियल अफसर हो या एमएलए हो या मंत्री हो, सब लोग 10 बजे के बाद अपना पति पत्नी के साथ शराब लेते हैं, लेकिन ये कायदे से लेते हैं तो उनको कोई नहीं जानता। वही हम कहते हैं मजदूरों को कि तुम शराब लो, कायदा से लो, जाके जैसे कि दूसरे लोग करते हैं तो शायद तुम्हारे लिए लाभदायक बात होगी। रही बात जो शराबबंदी की बात की गई है, ये तो टोटल फेल है, और फेल इसलिए है कि अच्छी बात है, हम लोग भी कहा था कि शराबबंदी होनी चाहिए, लेकिन शराबबंदी का जो एग्जीक्यूशन हुआ है उसमें जो पदाधिकारी हैं शराब से संबंधित हैं या पुलिस से संबंधित हैं, गरीबों को ही टॉर्चर किया है। गरीब का जो टॉर्चरिंग है उसका बहुत सी कहानी है। पहली कहानी तो ये है कि कमा करके आ रहा है, 500 रुपया कमाया है तो 100 रुपया का शराब वो पी लिया है, रास्ते में आ रहा है तो ब्रेथेनलाइजर लगाया जाता है, तो पिए हुए तो है ही है, उसको जेल भेज दिया जाता है, उसके बच्चे क्या करेंगे, उसकी पत्नी क्या करेगी, तो कोई नहीं समझता। और है ना, आर्थिक और सामाजिक फायदा है, सामाजिक इस तरीके से कि लोग एक अति में शराब पीते हैं, फिर वो घर आते हैं फालतू का करते हैं, आर्थिक के कि शराबबंदी नहीं, अगर शराबबंदी होगी तो पैसा बचेगा, तो दोनों चीजों का फायदा है ना शराबबंदी से। तो नहीं नहीं शराबबंदी से फायदा तो है, मैं समझता हूँ, हम लिमिट शब्द कहते हैं, दवा के रूप में शराब लेने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पॉइजन है, पॉइजन से आदमी मर जाता है, लेकिन अगर एक्सेस पॉइजन लेता है या उसके लिमिटेड जो होता है उससे दवाइयां बनती है, उससे वो उन्होंने कहने का ना लाइफ सेविंग ड्रग बनता है। तो मेरा यही कहना है, लेकिन कहना यह है कि गरीब के लिए शराबबंदी करके उनको आज 5 लाख लोग जेल में या शराब से संबंधित ये कानूनी कार्रवाई के शिकंजे में हैं, उसमें 3 लाख गरीब के लोग हैं, तो ये किसके लिए हुआ? दूसरी बात कि शराब बनने की एक प्रक्रिया होती है, अगर शराब ठीक ढंग से लोग बनाते हैं, उसका सेवन करते हैं, तो बहुत हार्म नहीं होता है, लेकिन आज शराब 2 घंटा में लोग बना देता है, नौसारा देता है, यूरिया देता है, वो गाय के लिए यूज होता है वो देता है, और वही आदमी पीता है तो वो मर जाता है। वो गरीब लोग ही इसको दिए जाते हैं, पिए जाते हैं विशेष करके, इसलिए लोग मरते हैं। तो दोनों तरफ से हमारा जनहानि भी हो रहा है, हमारे गरीब तबके के लोग को केस में फंसाया जा रहा है, और बिहार सरकार को हम समझते हैं, वो कहते हैं जो 20,000 या 15,000 करोड़ रुपया का लॉस है, हम समझते हैं 50,000 करोड़ रुपया का लॉस है, और हमारे पब्लिक लोगों को जो शराब 2 पैसे में या 4 पैसे में मिलती थी, आज वो रुपया 5 रुपया में शराब मिल रही है, यानी कि 10 गुना पैसा खर्च कर करके ये शराब लेते हैं। तो शराब के मद में बिहार का गरीब का पैसा, राज का पैसा, सब जाया हो रहा है। किसी भी परिस्थिति में शराबबंदी से फायदा नहीं हो रहा है। हम तो कहा कि आप गुजरात मॉडल का शराब आप नीति अपनाइए, और गुजरात में ऐसा है कि आज देखते होंगे कि गिफ्ट नाम की कोई संस्था बनी है गुजरात में, वहां पर शराब पीना और शराब बेचना फ्री कर दिया है लोग,
तो क्या गांधी जी का स्थान है, जन्म स्थान है, और वहां पर शराब का ये हालत है, तो हम कैसे हुए? तो नीतीश कुमार जी कहे कि 100 चूहा खा के बिल्ली चली हज को। 2005 और 2010 के बीच में नीतीश कुमार जी ने गांव गांव में शराब का दुकान खुलवा दिया था, सबको पीने को अभ्यस्त कर दिया, और आज वो कहते हैं कि इस तरह की बात करते हैं। तो चादर को उतना ही तानना चाहिए जितना मगर चादर फटे नहीं। आज अपने को बहुत महात्मा गांधी का संतान मानने के चक्कर में आज समूचे बिहार को सर्वनाश कर रहे हैं शराब नीति के चलते। मांझी जी, 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है, तो सीट शेयरिंग पर कुछ बात तो हुई होगी, कितनी सीटें आपने मांगी हैं? अगर कुछ भी बात होगी या है तो इस संबंध में इसमें मीडिया में नहीं कहा जा सकता है। खरमास के बाद इस पर विस्तृत चर्चा होगी, और चर्चा के उपरांत जब बातें आएगी तो आपके सामने वो बात आ जाएगी कि कौन कहां कितना सीट से लड़ रहा है। लोग हम लोग जीतने वाला सीट लेंगे, और एनडीए के लोग भी जीतने वाला सीट भी लोगों को देंगे, ताकि यहाँ 40 का 40 सीट बिहार में मिले। एक आखिरी सवाल, मीडिया में बहुत खबरें हैं कि तेजस्वी यादव जो है बिहार के सीएम बन सकते हैं, क्या ऐसा, कितनी सच्चाई है, और क्या ऐसा सच में हो सकता है आने वाले दिनों में कि तेजस्वी यादव हमें बिहार के सीएम बनते दिखें? देखिए, पहले ही मैंने कहा कि कोई भी आदमी है, महत्वाकांक्षा तो होती है कि हम कुछ भी बनेंगे, और आज इतनी बातें वो सह रहे हैं कि नीतीश कुमार उनके सामने बैठा करके भाषण देते हैं कि जनता को कि 2005 के पहले की स्थिति आप देखे थे, वही राज आना चाहता है क्या? तो कहने का मतलब सफेद रूप में वो गाली दे रहे हैं तो भी तेजस्वी प्रसाद सह रहे हैं ये रास्ता में कि शायद हमको मुख्यमंत्री लोग बनावे। लेकिन मेरे समझ में यही आता है, जो नीतीश कुमार को हम पढ़े हैं, एक बार कह चुके हैं ये, कि नीतीश कुमार किसी भी परिस्थिति में मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ने जा रहे हैं, और जब नहीं छोड़ेंगे तो तेजस्वी प्रसाद को मुख्यमंत्री बनने का प्रश्न ही नहीं उठता है। क्या लगता है आपको कि इंडिया अलायंस कितनी मजबूती से आगे बढ़ रहा है? क्या सच में 2024 में एनडीए वर्सेस इंडिया हमें अच्छी तरीके से देखने को मिलेगा, क्योंकि 4 मीटिंगें हो चुकी हैं, शी शेयरिंग में भी आने वाले दिनों में बात हो जाएगी, नीतीश कुमार को कन्वीनर संयोजक बनाने पे भी बात हो रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर पीएम फेस की दावेदारी ममता बनर्जी ने ठोकी थी। देखिए, इसकी चर्चा तो पहले हम कर ही चुके हैं, और आपने कहा था कि लास्ट क्वेश्चन, लेकिन लास्ट क्वेश्चन के बाद भी ये क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, तो इसमें हमारा क्लियर मानना है, ये हम मानते हैं कि इन लोगों का जो उद्देश्य है, सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य है कि भारत के प्रधानमंत्री हम होना चाहते हैं, या नरेंद्र भाई मोदी जी को हटाना चाहते हैं, एक ही मुद्दा है। देश का विकास, देश की महंगाई, बेरोजगारी, हमारा क्या संसार में महत्व है, ये सब बात की चर्चा ये लोग नहीं करते हैं। इसलिए इनका जो उद्देश्य ही है गलत है, तो ये कभी सफल नहीं होंगे। और दूसरे तरफ नरेंद्र मोदी जी के बारे में हमने कहा कि वो संसार का तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के चक्कर में है कि बिहार हिंदुस्तान बने। G20 के माध्यम से दर्जनों राष्ट्राध्यक्षों को बुला करके उन्होंने विश्व में अपना पैगाम लागू किया। प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी ऐसे हैं कि शायद आज 44 वर्ष से राजनीति हम कर रहे हैं, कहीं के राष्ट्राध्यक्ष किसी राष्ट्राध्यक्ष को पैर छू के प्रणाम नहीं किया है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को राष्ट्राध्यक्ष एक हैं जो प्रणाम किए हैं पैर छू करके। कहने का मतलब कि हिंदुस्तान का ध्वजा विश्व में फहराए, शान के साथ फहराए, इस चक्कर में नरेंद्र मोदी जी हैं, और इनका ये जो मुद्दा है, मकसद है, बहुत पवित्र है, देश के हित में है, इसलिए इनका मुद्दा कारगर रहेगा, और ये जो घमंडिया गठबंधन है वो ताश के पत्ते की तरह से जैसे छिटक रहे हैं, वैसे अल्टीमेटली सब छिटक जाएंगे, अलग खिचड़ी लोग पकाते रह जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जितिन राम मांझी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे तमाम सवालों के जो है वो जवाब देने के लिए। खैर, अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन क्या कमाल कर पाता है,
क्या सच में तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और क्या नीतीश कुमार इंडिया अलायंस के संयोजक बनेंगे? आप इन सब के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहिए न्यूज 24 बिहार झारखंड। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।